नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। होली के भाई दूज पर बहनें यदि जेल में बंद भाइयों को माथे पर टीका करने जाने की सोच रही हैं तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव के चलते इस बार भी आचार संहिता लागू है और भाई दूज का त्यौहार जेल में नहीं मनाया जाएगा। दीपावली की दौर पर भी विधानसभा चुनाव के चलते बहनें निराश होकर लौटी थी। बता देते हैं कि मंगलवार को भी कुछ बहनें अपने बंदी भाइयों से मिलने पहुंची थी, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें नहीं मिलने दिया। जेल प्रशासन का ये कहना है कि बुधवार को भाई दूज है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है, इसलिए जेल में बहनें और भाइयों का खुले परिवार में टीका कराने का कार्यक्रम नहीं होगा। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बंदियों को इस बार होली के त्यौहार के बाद भाई दूज पर बहनों से मिलना नहीं हो पाएगा। उनका माथा चुनाव आचार संहिता के चलते सूना ही रह जाएगा। वहीं बीते 3 साल से कोरोना महामारी के चलते जेल में भाई बहन की मिलाई पर प्रतिबंध था, लेकिन पिछले साल यह मिलाई होली पर ही शुरू हुई थी। होली और रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों के माथे पर टीका भी किया और मिठाई भी खिलाई, लेकिन इस बार होली पर लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में जेल के अंदर मिलाई पर रोक लगा दिया गया है। इससे पहले विगत साल 2023 में दीपावली पर विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने पर जेल में बहनें अपने भाइयों के माथे पर मंगल टीका नहीं कर पाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि होली पर भाइयों से मुलाकात कर इसकी भरपाई कर लेंगी, लेकिन होली से पहले ही आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगते ही बहनें मायूस हैं कि इस बार भी वह भाइयों से नहीं मिल पाएंगी और उनका माथा सूना रहेगा। पहले मुख्य त्योहारों पर बहनें खुले मैदान में अपने भाइयों से मिलाई करती थी। कोरोना महामारी आने पर आमने सामने की मिलाई बंद कराकर जेल प्रबंधन ने कांच की दीवार बनाकर टेलीफोन से बातचीत करने की व्यवस्था कराई थी। गत वर्ष रक्षाबंधन पर मिलाई ना होने से जेल में भाइयों की कलाई सूनी रहने का पता चलते ही प्रदेश सरकार ने दूसरे दिन रक्षाबंधन का पर्व जेल में मनवाया था और खुले मैदान में मिलाई कराकर बहनों ने भाइयों की कलाई पर प्रेम का धागा बांधा था।